नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न फॉर्म संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे व्यवसाय और संबंधवाचक शब्दों के बारे में जानेंगे जो हमारे डेली यूज में आते हैं। तो आइए विद्यार्थियों जानते हैं मजदूर। मजदूर को संस्कृत में कहेंगे श्रमिक है। मजदूर को संस्कृत में कहेंगे श्रमिक है। किसान, किसान को कहेंगे कृषक है, कृषक है। जुलाहा, जुलाहा कपड़ा बनने वाला, उसको कहेंगे विद्यार्थियों तंतुवाय, तंतुवाय। धोबी, धोबी को कहेंगे रजक है, रजक है। नाई, नापित है, नापित है। वैद्य, चिकित्सक है, चिकित्सक है। माली, मालाकार है, मालाकार है। सुनार, सोने का काम करने वाला, तो सोने को बोलते हैं स्वर्ण, और फिर विद्यार्थियों कार है, स्वर्ण कार है, सोने का कार्य करने वाला। लोहार, लोहे का काम करने वाला, तो लिखेंगे लोहे कार है, लोहे का काम करने वाला कहलाएगा लोहार, लोहे कार है। नेक्स्ट है चाचा। चाचा को संस्कृत में कहेंगे विद्यार्थियों पितृवे, पितृवे। चाची को कहेंगे पितृव्या, पितृव्या। मामा, मातुलह है, मातुलह है। दादा, पितामह, पितामह। दादी, पितामही, पितामही। नाना, मातामह, मातामह। बहन, भगिनी, भगिनी। भाई को बोलेंगे भ्राता, और भांजा भागीने, भागीने कहलाएगा भांजा। एक बार और देखेंगे विद्यार्थियों, मजदूर श्रमिक है, किसान कृषक है, जुलाहा तंतुवाय, धोबी रजक है, नाई नापित है, वैद्य चिकित्सक है, माली मालाकार है, सुनार स्वर्णकार है, लोहार लोहेकार है। चाचा पितृवे, चाची पितृव्या। मामा मातुल है, दादा पितामह है, दादी पितामही। नाना मातामह है, बहन भगिनी, भाई भ्राता, भांजा भागिने। इन शब्दों का प्रयोग हम अधिकांशतः रोज करते रहते हैं, तो इसलिए विद्यार्थियों हम आसानी से हिंदी के जो सामान्य शब्द हैं उनको संस्कृत में याद कर सकते हैं। यदि दो तीन बार हम देख लेते हैं तो अवश्य याद हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।